लोग मर रहे हैं, आप चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, अभी तो गिनती शुरू हुई है, पता नहीं और कितने लोग मरेंगे। कराची में इमारत गिरने पर चीफ जस्टिस ने इंतजामिया की क्लास ले ली। सख्त रिमार्क्स में कहा, छोटे प्लॉट्स पर ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। कल बिल्डिंग गिर गई, रात को आप सब सुकून से सोए, किसके कान पर जू नहीं रिंगी। कराची के बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं, जो मंसूबे बना रहे हैं 5 साल बाद सब गिरा दिए जाएंगे। सारे फ्लाईओवर्स गिरेंगे, खेमाड़ी का ब्रिज भी गिरने वाला है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सिंध हुकूमत का पेश करदा नक्शा और रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, नाजमाबाद से एयरपोर्ट जाने में 4 घंटे लगते हैं, यहाँ अफसरान का अपना अपना एजेंडा है, हर महकमे में करप्शन है। सेनेट की काबीना सेक्रेटेरिएट कमेटी की बैठक, 100 रुपए फोन कार्ड पर टैक्स कटौती का मामला जेरे गौर आया। चेयरमैन पीटीए ने बताया, 100 रुपए के कार्ड पर 25.61 रुपए टैक्स कटता है, सारिफिन को 74 रुपए मिलते हैं। एफबीआर के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से तफसील पूछी गई तो तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, 3 मरतबा अलग अलग टैक्स फार्मूला बताया। सेनेटर तलहा महमूद ने हिसाब किया तो 3 मरतबा गलत निकला। इस बात को उन्होंने कन्फर्म किया कि 25.61 रुपए 100 रुपए में से वो काटते हैं, ये कन्फर्म किया। मेरा उसके अंदर इशू ये था कि जो परसेंटेज से मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा, लेकिन बहरहाल अगर 25.61 रुपए भी काट रहे हैं रकम नहीं। एफबीआर की हालत देखकर लीगी रुकन मुशाहिदुल्ला खान ने तलहा महमूद को चेयरमैन एफबीआर की नशिस्त संभालने की ऑफर कर दी, बोले सीट खाली है, इजाफी चार्ज ले लें। तलहा महमूद बोले, शब्बर जैदी ने तो मईशत तबाह करके रख दी। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से भी आपका झगड़ा है और टैक्सेस के हवाले से भी लोग जो हैं उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है, तो ये मामला जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि मामला जो है मजीद बद से बदतर होंगे। कमेटी ने आइंदा इजलास में एफबीआर से टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से बैरून मुल्क भेजे गए जर मुबादला की तफसीलात और दुरुस्त टैक्स का फार्मूला भी मांग लिया। लाहौर में जश्न बहारा का मेला सज गया। जलानी पार्क में फन मुसवरी के मुकाबले तलबा तालिबात ने शहर की खूबसूरती और सकाफत को इस तरह रंगों में ढाला कि देखने वाले देखते रह गए। लाहौर के किसी पार्ट को लेना था, हमने दिल्ली गेट लिया एंड देन हमने रिक्शास पे फोकस किया ब्यूटिफिकेशन डालने के लिए। पढ़ाई का एक डिप्रेशन था वो खत्म हो गया, यहाँ पे आके काफी इंजॉय किया, एक अलग ही कोई चीज थी। हम लोग स्प्रिंग पे ही काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है कि हम जितने कलर्स ऑफ पाकिस्तान है या जितना हमारे पाकिस्तानी खूबसूरती उसको शो कर सकें, जो जो हमारे लाहौर में खूबसूरती उसको हम पेंट्स के जरिए कलर्स के जरिए दिखा रहे हैं सबको, और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। मुकाबले के अख्ताम पर पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में इनाम भी तकसीम किए गए। कुदरती नज़ारों और सकाफत के रंगों को तलबा ने खूबसूरती से कैनवस पर उतारा है, जिसे देखने वाला हर इंसान उसी मंजर में खो जाता है। कैमरामैन पुरम फयाज के साथ सिद्रा गयास, समा लाहौर। नए साल के आगाज पर नए रिकॉर्ड, 2020 में बैंकों के डिपॉजिट में रिकॉर्ड इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी 2020 के अख्तितम पर बैंकों के डिपॉजिट में 12.36% का इजाफा हुआ। डिपॉजिट 14,672 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे। जनवरी 2019 में बैंकों के डिपॉजिट 13,057 अरब रुपए थे। माहरीन का कहना है कि डिपॉजिट बढ़ने से बैंकों को हुकूमती टी बिल्स और बॉन्ड्स में सरमायाकारी के मौके मिले। बैंकिंग सेक्टर के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 30 अरब के इजाफे के बाद 177 अरब रुपए तक जा पहुँचे। अशरफ खान, समा, कराची। किताब एक बेहतरीन दोस्त, जामिया पिशावर में किताब दोस्ती का पैगाम आम करने के लिए बुक फेयर का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम उलूम की किताबें इल्म के प्यासों के लिए हुई दस्तियाब। मुल्की और बैन अक्वामी स्टार्स लगाए, 70 से ज्यादा अकेडमीज, पब्लिशर्स और बुक सेलर उसमें शिरकत कर रहे। यूनिवर्सिटी तुलबा के मुताबिक सोशल मीडिया की वजह से किताबों से दूर होते जा रहे हैं। बुक्स पढ़ें क्योंकि जो है मोबाइल इज नॉट द वे ऑफ रीडिंग, नहीं हो सकता क्योंकि उससे उसके नुकसान बहुत है। कुतुब मेला 3 दिन तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया छोड़ें, किताबों से दोस्ती करें। इस बुक फेयर का मकसद कुतुब बीनी को फरोग देना है। कैमरा मैन असद अली के साथ फयाज अहमद, समा, पिशावर।
घर या दफ्तर के लिए फर्नीचर कैसा होना चाहिए, ये काम होता है बड़ा ही मुश्किल, लेकिन मारूफ फर्नीचर ब्रांड ने इस्लामाबाद के वासियों के लिए आसान बना दिया। जदीद और मुनफरिद डिजाइन के बेड्स, ड्राइंग रूम की आराइश का सामान और दीगर फर्नीचर मसनूआत, ये सब कुछ एक ही छत तले मिला तो खवातीन खुशी से निहाल हो गईं। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा आजकल के ट्रेंड के हिसाब से काफी अच्छा किचन बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे आके दिल करते हैं कि आप सब कुछ उठा के ले जाओ। कंटेम्प्रेरी स्टाइल है फर्नीचर का सारा, मतलब देयर इज एवरीथिंग ओवर हियर, मॉडर्न ट्रेडिशनल सब कुछ है। स्टोर मालिक कहते हैं जिद्दत और मयार ही इनकी पहचान है। बिकॉज हर चीज की डिटेल हम बनाते हैं, फिर उसको हम अपनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक मैन्युफैक्चर करते हैं। अब उसका एडवांटेज क्या होता है, एक तो डिजाइन अच्छा बनता है और एक कस्टमर को फंक्शनल चीज मिलती है। डिजाइन के हवाले से पसंद मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बात हो वजन की तो हल्का फर्नीचर ही इस्लामाबाद वालों की पहली तरजीह है। घर की तज़ीन और आराइश में सबसे ज्यादा हिस्सा फर्नीचर का ही होता है। अच्छे फर्नीचर का इंतखाब घर की खूबसूरती की जमानत है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फरहत अब्बानी, समा इस्लामाबाद। लाहौर में जश्न बहारा का मेला सज गया। जलानी पार्क में फन मुसवरी के मुकाबले तलबा तालिबात ने शहर की खूबसूरती और सकाफत को इस तरह रंगों में ढाला कि देखने वाले देखते रह गए। लाहौर के किसी पार्ट को लेना था, हमने दिल्ली गेट लिया एंड देन हमने रिक्शास पे फोकस किया ब्यूटिफिकेशन डालने के लिए। पढ़ाई का एक डिप्रेशन था वो खत्म हो गया, यहाँ पे आके काफी इंजॉय किया, एक अलग ही कोई चीज थी। हम लोग स्प्रिंग पे ही काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है कि हम जितने कलर्स ऑफ पाकिस्तान है या जितने हमारे पाकिस्तानी खूबसूरती उसको शो कर सकें। जो जो हमारे लाहौर में खूबसूरती उसको हम पेंट्स के जरिए कलर्स के जरिए दिखा रहे हैं सबको, और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मुकाबले के अख्ताम पर पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में इनाम भी तकसीम किए गए। कुदरती नज़ारों और सकाफत के रंगों को तलबा ने खूबसूरती से कैनवस पर उतारा है, जिसे देखने वाला हर इंसान उसी मंजर में खो जाता है। कैमरामैन पूरम फयाज के साथ सिद्रा गयास, समा लाहौर।